अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती कि आप सब ठीक होंगे। निस्बत ब्लॉग में आप सबको वेलकम। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फुल वॉच किया करें। तो जो मेरे चैनल को करते हैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो मैं बनाने जा रही हूँ गोला कबाब। तो आए देखते हैं गोला कबाब में मैं क्या क्या डालूँगी। तो ये मैंने लिया है सूखा धनिया, और ये है नमक, और ये पिसी हुई लाल मिर्ची है, और ये दड़ा मिर्च है, और ये थोड़ी सी हल्दी है, और इसमें टमाटर शामिल करूंगी और दही, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके अंदर ही मैंने प्याज भी, इसको मैंने मैश किया हुआ है, इसके अंदर ही सारा मसाला मैंने पीस के रखा हुआ है, और ये है गोला कबाब जो मैं आज बनाऊँगी। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैं ये मसाला पहले ऐड करूँगी। ऑयल मैंने आधा कप डाला हुआ था जो गर्म होने के लिए रखा हुआ था। तो ऐसे ही हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे तो फिर दूसरे मसाला जान डालेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, मसाला मेरा हो गया अच्छे से फ्राई। तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, दो अदर टमाटर लिए थे मैंने, टमाटर भी इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हो गया अच्छे से फ्राई। तो अब मैं इसमें ये मसाले ऐड करूँगी, तो अपने मसालों को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, मसाला सारा अच्छे से हो जाए फ्राई। तो देखें फ्रेंड्स, मसाला मेरा हो गया रेडी। तो अब मैं इसमें दही शामिल करूंगी, दही को अच्छे से इसमें कर लेंगे फ्राई, ऐड करके हम इसके अंदर डालेंगे गोला। तो आज की रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए जी, दही भी हो गई अच्छे से इसके अंदर फ्राई हो गई है। तो अब मैं इसमें गोला कबाब डालूंगी। देखिए मसाला कलर कितना ही खूबसूरत है, हमारी ग्रेवी बड़ी अच्छी तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको ना दम पे लगा दूंगी, देखिए जो हमारे गोला कबाब है वो अच्छे से अंदर से हो जाए सॉफ्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारे कबाब पक गए हैं। देखते हैं कितना ही खूबसूरत कलर आया है, मज़े के लग रहे हैं, खुशबू भी आ रही है बहुत ही मज़े की। तो ये देखें आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं इसके ऊपर डालूँगी धनिया, तो ये देखें और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं। तो अब मैं बनाऊंगी इसके साथ ही रोटियां, तवा मैंने रखा हुआ है गर्म होने के लिए। तो अभी हमारे कबाब तो हो गए हैं रेडी, तो अब बनाते हैं रोटियां। फ्रेंड्स मैंने पेड़े बना लिए हैं, तो अब मैं रोटियां बनाना स्टार्ट करती हूँ।
ब्रेकफास्ट रेडी। तो जिस चीज को भूख लगी है आ जाए भाई खाने के लिए, फुल इजाजत है, फुल इजाजत है बिल्कुल। ऐसे ही बाजी भी रोटी बना रही है मेरे साथ, तो बाजी ने भी बनाया है बड़ा गोश्त, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना प्यारा बना है, खूबसूरत कलर है इसका। तो बाजी भी रोटियाँ बना रही है अपने बच्चों के लिए और मैं भी बना रही हूँ।